हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीडियो लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1। आज के इस वीडियो में हम लोग शेयर सेंटर के बारे में देखेंगे, इसका डेफिनेशन पार्ट समझेंगे कि क्या होता है शेयर सेंटर, और फिर इसका एक क्वेश्चन हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है जो कि सी सेक्शन का हमें शेयर सेंटर कैलकुलेट करने को बोला जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो फिर यहाँ पर डेफिनेशन पार्ट आप देख सकते हैं, शेयर सेंटर इज ए पॉइंट फ्रॉम विच इफ ए लोड पासेस देन देयर विल बी ओनली बेंडिंग एंड नो ट्विस्टिंग। तो जैसे कि सिमेट्रिकल सेक्शन, जितने भी हमारे सिमेट्रिकल सेक्शन होते हैं, जैसे कि एक रेक्टेंगुलर हो गया, तो इसका अगर हम लोग सीजी फाइंड करें तो फिर वो कहीं पर सेंटर पे आएगा, और वहां से अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करें हमारा, तो प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस तरीके से बनेगा, जो कि हमारा एक्स एक्स एक्सिस होगा और हमारा वाई वाई एक्सिस होगा। तो ये उसका शेयर सेंटर हो गया, ठीक है, ये सिमेट्रिकल केस। एक और इसमें आ जाता है, फिर हमारा सर्कल भी सिमेट्रिकल आ जाता है। तो अगर हम लोग इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से होगा, और जहाँ पर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस मीट करता है वो हमारा शेयर सेंटर हो गया। लेकिन जब भी अनसिमेट्रिकल सेक्शन आते हैं, अनसिमेट्रिकल सेक्शन जैसे कि आप मान लो एल सेक्शन हो गया आपका, तो ये एल सेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। तो आप देख सकते हैं, अगर हम लोग इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो फिर ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, लेकिन इसका जो शेयर सेंटर होगा वो यहाँ पर नहीं आएगा, एक्सिस से थोड़ा दूर आएगा। कितना दूर आएगा? एट एन डिस्टेंस ऑफ एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है? एक्सेंट्रिसिटी मतलब होता है एक्सिस से कितना दूर लोड लगेगा, उसको उस डिस्टेंस को कहा जाता है एक्सेंट्रिसिटी। तो चलिए हम लोग डिटेल में देखेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, कुछ हमें इस तरीके से सी सेक्शन दिया है, जहां पर थिकनेस है हमारा 20, ओवरऑल थिकनेस है 20, और फिर जो फ्लैंज है, फ्लैंज का जो विड्थ है वो है 200, और वेब है, वेब की हाइट है 400। तो ये सब mm में है, वो सब आप समझ लेना। तो यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला है, जो बुक्स में ज्यादातर जो गिवन है फॉर्मूला, वो है E=B² h² × thickness / 4 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट IXX। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 4 × मल्टीप्लाई करना है। यह है एक्सेंट्रिसिटी फॉर्मूला, जो कि ज्यादातर बुक्स में गिवन है। तो हम लोग आज इस फॉर्मूले से नहीं सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला देता हूँ जिससे करीब एक मिनट के अंदर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वो फॉर्मूला है E=3 × w सफिक्स f। तो मैं इसका सारा पार्ट आपको समझा दूंगा क्या क्या है। पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, 6 + aw / af, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है एक्सेंट्रिसिटी का। तो इस फॉर्मूले में क्या क्या है वो सब मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो डब्ल्यू एफ है वो है विड्थ ऑफ फ्लैंज, विड्थ ऑफ फ्लैंज, और यहां पर जो ए डब्ल्यू है वो है एरिया ऑफ वेब, ए डब्ल्यू मतलब एरिया ऑफ वेब, और ए एफ, यहाँ पर जो ए एफ है वो है एरिया ऑफ फ्लैंज। तो आपको पता चल गया इस फॉर्मूले में जो जो कंपोनेंट्स है उसके क्या क्या है। तो चलिए जब हम लोग पुट करेंगे तब आपको अच्छे से समझेगा। तो इस ई के फॉर्मूले पुट करते हैं, तो 3 × wf, wf मतलब विड्थ ऑफ फ्लैंज। तो ये फ्लैंज होता है ये नीचे, और ये ऊपर जो है ये फ्लैंज होता है। तो इसका विड्थ कितना दिया है? 200 दिया है। तो × 200 / 6 + aw, aw मतलब एरिया ऑफ वेब। तो देखिए ये वेब होता है हमारा, वेब कितना है, हाइट है 400 और इसका थिकनेस है 20, तो 400 × 20, ये करेंगे तो 400 × 20 करने से आंसर आएगा 8000 / af, af मतलब एरिया ऑफ फ्लैंज। तो फ्लैंज है ये वाला, फ्लैंज है, फ्लैंज का विड्थ कितना है 200 और फ्लैंज का थिकनेस कितना है 20। देखो यहाँ पर 20 दिया है, मतलब यहाँ पर भी 20 है। तो 20 × 200 करेंगे तो आंसर आएगा आपको 4000। इसको सॉल्व करो, आपको ई मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, जो कि है 3 × 200 / 6 + 8000 / 4000, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो फिर आंसर आता है आपको 75 mm, ठीक है। ये सारे ये mm में आएगा, क्योंकि ये जो सारे डिस्टेंस थे ये हमें क्वेश्चन में mm में गिवन थे। तो ये एक्सेंट्रिसिटी क्या है?
ये ई है, ठीक है ना। एक्सेंट्रिसिटी क्या है, अगर हम लोग इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा जो कि अलोंग वाई एक्सिस है, और इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है। तो एक्सिस से कितनी दूरी पर लोड लग रहा है, यहाँ पर लोड लगेगा, ये होता है एक्सेंट्रिसिटी। ई मतलब एक्सेंट्रिसिटी, एक्सिस से कितनी दूरी पर, तो यहाँ पर इसका आएगा शेयर सेंटर। तो ये जो पॉइंट है ये इसका शेयर सेंटर है, एक्सिस से कितनी दूरी पर है वो है ई, और ई जो हमने कैलकुलेट किया वो है 75 mm। तो ये 75 mm दूरी पर है। ज्यादातर बुक्स में इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आप एक फोटो देख सकते हैं, उस फोटो में आप देख सकते हैं किस तरीके से इस फॉर्मूले से सॉल्व किया है। लेकिन ये फॉर्मूला बेस्ट है, इस फॉर्मूले से 1 मिनट के अंदर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 6 मार्क्स मिल गए। सिर्फ इतना सा करने के लिए आपको 6 मार्क्स मिल गए, और साथ में आपको ये डेफिनेशन पार्ट भी लिखना पड़ेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।